हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 7, द वर्ब। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 7, द वर्ब। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ते हैं और समझते हैं। द पीकॉक डांसेस इन द फॉरेस्ट। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। दिस इज अ लोटस। इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स टेल अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, हेंस दे आर द वर्ब्स। ऊपर जो अभी हमने सेंटेंस पढ़े, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें एक्शन बता रहे हैं कि कोई काम, क्या काम हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, या फिर वो सब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है। जैसे डांसेस, पिकॉक क्या कर रहा है, डांस। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और दिस इज अ लोटस, तो यहाँ पर हमें स्टेट पता चल रही है। तो ये सब कलर्ड वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स। द वर्ड्स विच टेल अस द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड द वर्ब्स। वो वर्ड जो हमें एक्शन बताते हैं या फिर स्टेट बताते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के काइंड्स। द वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। वर्ब्स थ्री टाइप की होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स, सेकेंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, थर्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। The verbs which require an object to complete their meaning are called the transitive verbs. वो verbs जिनको object की जरूरत होती है अपना meaning complete करने के लिए, वो कहलाती हैं transitive verbs. First, he drinks. What does he drink? अब एक sentence लिखा है he drink, पर वो क्या पी रहा है, यहाँ पर हमें कोई meaning नहीं मिल रहा है sentence का। He drinks milk. तो यहाँ पर इसको object की जरूरत है अपना meaning explain करने के लिए। सेकेंड, द पॉटर इज कैरिंग। पॉटर कैरी कर रहा है। अब पॉटर क्या कैरी कर रहा है, वॉट इज द पॉटर कैरिंग, द पॉटर इज कैरिंग अ बॉक्स। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपना मीनिंग, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। थर्ड, द कारपेंटर मेक्स। अब कारपेंटर क्या बना रहा है, वॉट डज द कारपेंटर मेक, द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। तो यहाँ पर इन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। In the above sentences, the verb drinks, carrying, makes, alone do not make any sense. So some words are added to make their sense complete. तो यहाँ पर drink, carrying और makes अकेले कोई sense नहीं दे रहे, उसके लिए कुछ word add करने की जरूरत है ताकि हमें proper sense मिल सके। So in the first sentence, what does he drink? वो क्या drink कर रहा है? Milk. In the second sentence, what is the potter carrying? Potter क्या carry कर रहा है second sentence में? Box. In the third sentence, what does the carpenter make? Carpenter क्या बना रहा है? Furniture. The word milk is called the object of the verb drink. तो यहाँ पर sentence one में जो milk word है, वो drink verb का क्या है? Object. ऐसे ही the word box is called the object of the verb carrying. ऐसे ही जो word box है, वो object है किसके लिए? Carrying verb के लिए. द वर्ड फर्नीचर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेक्स। ऐसे ही जो वर्ड फर्नीचर है वो भी मेक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। Thus, these verbs are transitive. तो इस तरीके की वर्ब्स होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। सेकेंड इज इनट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड द इनट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग कम्प्लीट करने के लिए, वो होती है इनट्रांसिटिव वर्ब। फर्स्ट द बर्ड्स फ्लाई। चिड़िया उड़ रही है, तो ये तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसको कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सेकेंड द चिल्ड्रन प्ले। थर्ड द सन शाइन्स। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब फ्लाई, प्ले एंड शाइन्स डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, हेंस दे आर द इनट्रांसिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पर फ्लाई, प्ले, शाइन्स को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये है इनट्रांसिटिव वर्ब। थर्ड इज वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अ वर्ब विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ बट रिक्वायर्स अ वर्ड और सम वर्ड्स आफ्टर इट टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वो वर्ब जो खुद से एक कंप्लीट सेंस नहीं देती, जिसको कोई और वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए एक सेंस प्रोवाइड करने के लिए, वो कहलाती हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। फर्स्ट इज
लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। अब यहां पर अगर हम लिख दें द लायन इज, तो इससे आपको कुछ समझ आएगा? नहीं। तो उसको हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की, तो द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। ऐसे ही लता लुक्स, लता लुक्स क्या लुक्स? लता लुक्स हैप्पी। द गर्ल बिकेम सैड। तो यहां पर जो वर्ब्स हैं उनसे हमें एक प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर सेंस नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हमें जरूरत है उसमें कुछ और वर्ड्स ऐड करने की। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब इज, लुक्स एंड बिकम डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ। तो यहाँ पर जो वर्ब है इज, लुक्स, बिकेम, ये खुद से कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। सम वर्ड और वर्ड्स आर एडेड टू ईच वर्ब टू मेक देयर कंप्लीट सेंस। तो इसलिए कुछ वर्ड या कुछ वर्ड्स ऐड हमें करने पड़ेंगे ताकि हम उन वर्ब को एक कंप्लीट सेंस दे सके। नोट, दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, दे रिक्वायर ओनली सम वर्ड और वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंस। सिर्फ कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है जिससे उनकी सेंस कंप्लीट हो जाए। द वर्ड और वर्ड्स फ्रेजेस एडेड टू द वर्ब इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। तो वो वर्ड या वो वर्ड जो हम इन वर्ब के साथ ऐड करते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। ए इज, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। फर्स्ट इज द वर्ब्स आर ऑफ। वर्ब के कितने टाइप्स आपने पढ़े? थ्री टाइप्स। नेक्स्ट, विच वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। कौन सी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है? ट्रांसिटिव वर्ब को। नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन नीड। जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की वर्ब्स होती हैं उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? कॉम्प्लीमेंट की। नाउ बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट टी फॉर ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड आई फॉर इनट्रांसिटिव वर्ब्स इन द बॉक्सेस। आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो ट्रांसिटिव हैं या इनट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव हैं तो टी लिखना है, इनट्रांसिटिव है तो आई लिखना है। फर्स्ट इज, सम पीपल आर रनिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। तो यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट है, तो रनिंग इज वर्ब और ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, ही वॉज लिविंग विद हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर भी लिविंग है वर्ब और ये भी ट्रांजिटिव। सेकेंड इज, ही वॉज लिविंग विद हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर वॉज लिविंग क्या है? वर्ब और ये कैसी वर्ब है? इनट्रांसिटिव। नेक्स्ट, आई विल गो देयर। यहाँ पर वर्ब है विल गो और ये भी इनट्रांसिटिव है। नेक्स्ट, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब है हैव बीन वेटिंग और ये कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वेंट टू बेड। यहाँ पर वेंट क्या है? वर्ब और ये कैसी वर्ब है? इनट्रांसिटिव। तो इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब्स एंड राइट। यहाँ पर आपको वर्ब का कॉम्प्लीमेंट अंडरलाइन करना है और उसे लिखना है। अमित इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर एन इंजीनियर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो यहाँ पर अ डोमेस्टिक एनिमल ये कॉम्प्लीमेंट होगा, इसे यहाँ लिख देते हैं हम। नेक्स्ट, थर्ड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अ ग्रेट कंट्री। नेक्स्ट, दीज बॉयज आर गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इसमें सुटेबल कॉम्प्लीमेंट जो भी आपको लगता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है वो लिखना है। फर्स्ट इज, इंडिया इज।
यहाँ पर हम इंडिया को कैसे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंडिया इज, इंडिया को हमें सिर्फ इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, तो इंडिया इज अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। सेकेंड, आर नेशनल एनिमल इज, हमारा नेशनल एनिमल क्या है, इज द टाइगर। आर नेशनल बर्ड इज द पीकॉक। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, या प्लेइंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमें सेंटेंस को एक सेंस प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको वर्ब और उसके काइंड समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।